11 बजे डॉक्टर से मिलके उन्होंने रेनू को रूम अलॉट कर दिया था और एडमिट होने के लिए बोल दिया था। तो जस्ट अभी उसका वॉकिंग चल रहा है। जो इनका प्री चीज़ें होती हैं, बीपी चेक करना या फिर ग्लूकोज वगैरह लगाना, वेट करना, तो वो सब चीज़ें, एक जर्नी स्टार्ट हो गई थी यहाँ से। तो इस जर्नी में ये था कि उसको लेबर पेन के इंजेक्शन दिए जा रहे थे। पहला इंजेक्शन चल रहा है जो कि ग्लूकोज की बोतल में आपके पास तो और बड़े वाले हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा भी ना लग रहा, तुम तो फोन में लग रही हो आराम से। ड्रिप तो चढ़ रही है, ड्रिप लगी हुई है। पहला इंजेक्शन अभी तक चल रहा था। कैसा लग रहा है अभी? हंसता हुआ पेशेंट। कैसा लग रहा तुम्हें अभी डिलीवरी के टाइम पे? अभी नॉर्मल। ये बेबी की हार्ट बीट चेक करने आती हैं सिस्टर। हर एक घंटे में आती थी और वो चेक करती थी कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो क्या चल रही थी। तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल सही चल रही थी। बट उन्होंने यही कहा है कि आप रेस्ट करो, आपको लेबर इंजेक्शन दिया गया है। और सुबह से लेके अब हम 5:30 बज गए हैं और सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ ये है कि इंजेक्शन ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो गया और पेन स्टार्ट नहीं हुआ है। रात के 9 बज गए हैं और दूसरा इंजेक्शन दिया गया है जिसमें अभी उसको खाना खाने के लिए बोला है। 10:20 पे भी चेक किया गया, हल्का सा पेन हुआ है सुबह के 4:30। तीसरा इंजेक्शन चल रहा है और अभी तक कोई पेन नहीं हुआ है। अगले दिन के 9 बज के ब्रेकफास्ट करने के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। 9:15 सिस्टर्स आती हैं, चेक करती हैं और पूरी रिपोर्ट लेके अब मैम को देंगी और फिर जो डॉक्टर है वो आएंगे और वो देखेंगे कि पेन क्यों नहीं हो रहा है। तो 12:00 डॉक्टर के आने का टाइम है। अब डॉक्टर ने आके बोल दिया कि आप इनको ओटी में भेजिए और लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ था। तो 3 इंजेक्शन दे दिए गए थे और फाइनल डिसीजन यही था कि अब हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे नीचे और रेनू ओटी में जा चुकी है और तकरीबन 10 मिनट से हम वेट कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये सामने वाला जो गेट है यहीं से गुड न्यूज़ आने वाली है और फाइनली 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 सेकेंड डे गुड न्यूज़ जो हमें मिली है वो हमें बेबी गर्ल की मिली है। और बहुत ही वेट कराने के बाद ये गुड न्यूज़ हमें मिली और सभी लोग खुश हैं। सभी बच्ची के मामा के परिवार से सब थे, बच्ची के दादा परिवार से सब थे। वैसे रेनू को ओटी से शिफ्ट कर दिया रूम में बट अभी उसको होश नहीं आया है और हल्के हल्के पेन में वो अभी कह रही है कि पेन हो रहा है उसको ज़्यादा। और बेबी को अभी हम लोग ने अपने पास रखा हुआ है। तो बच्चे सिस्टर्स आएंगी और उनका पोस्ट डिलीवरी जो चेकअप्स होते हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं और बल्कि अंदर चल भी रहे हैं। और अभी आगे की जो जर्नी है यहाँ से आगे की वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ तक की जर्नी यही था और अभी पोस्ट चेकअप चल रहे हैं। और ये इससे आगे की जर्नी के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।